नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इस NMCG मिशन के अंतर्गत कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स को जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है और NMCG ने इसके लिए एक क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट साइन भी कर लिया है। तो दोस्तों ये जो अग्रीमेंट है ये NMCG, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, महेश ताला वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों के बीच में साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत इनिशियली 35 मिलीलीटर पर कैपेसिटी वाला एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट बंगाल महेश ताला में बनकर तैयार होगा। इसके साथ साथ 4 पंपिंग स्टेशन, 6 डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स, ये सभी जगह कंस्ट्रक्शन भी किया जाना है। ओवरऑल इसके ऊपर 273.32 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे और कहा ऐसा गया है कि एक बार जब ये प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो वेस्ट बंगाल के महेश ताला में, जहां से हुगली रिवर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीवरेज फ्लो होता है, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी ईजिली किया जा सकेगा। साथ साथ इन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूँ कि जो हुगली रिवर है वो गंगा रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटर रिवर है, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जाना है। अगली 200 अपडेट का करारी है हमारी रेलवेज की इंजीनियरिंग आर्म राइट्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में न्यू टाइप्स के रोलिंग स्टोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए राइट्स लिमिटेड ने कोलकाता बेस्ड टीटागढ़ वेगन्स के साथ में एक MOU साइन कर लिया है और अब ये हमारे देश के रेल सेक्टर्स में न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि हमारे देश में दूसरी कंट्रीज की जो रोलिंग स्टोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जैसे कि ऑलस्टॉम, स्टेडरल रेल, बोम्बार्डियर, ये सभी आगे हमारे देश में रोलिंग स्टोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा कि हमारे देश की कोई रेलवे कंपनी दूसरी कंट्रीज में जाकर रोलिंग स्टोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसमें बात जाती है स्टैंडर्ड की। ये जो फॉरेन कंपनीज है ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड सेट करती हैं, जबकि हमारे देश की जो रेलवे कंपनीज हैं उनके पास में इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज ना होने के चलते इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं है। और अब सिमिलरली इन फॉरेन कंपनीज की तरह हाई स्टैंडर्ड सेट करने के लिए राइट्स के द्वारा MOU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत राइट्स लिमिटेड डिजाइनिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इन सभी सेगमेंट में, जो कि रेल सेक्टर से रिलेटेड है, इन सभी सेगमेंट में उनके एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा, जबकि टीटागढ़ वेगन्स न्यू प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर एंड डेवलप करेगा और उसके बाद ही जो प्रोडक्ट्स होंगे इनको ये दोनों मिलकर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं 200 के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के न्यू यूटिलिटी कॉरिडोर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश के जो नेशनल हाईवेज हैं उनके साथ साथ जो यूटिलिटी कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप करेंगे और फेज वन के अंतर्गत 18,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रोड बाय लेंथ इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और हमारे देश में जो हाईवेज है उनकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और कहा ऐसा गया है कि क्योंकि इन हाईवेज के साथ साथ जो यूटिलिटी कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो इसी के चलते न्यू प्लान प्रिपेयर किया गया है। कहा ऐसा गया है कि जो यूटिलिटी कॉरिडोर्स होंगे इनके लिए 2 से 3 मीटर तक डेडिकेटेड राइट ऑफ वे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि हाईवेज के साथ साथ फैला होगा और एज ऑफ नाउ पायलट बेसिस पर हैदराबाद बेंगलोर नेशनल हाईवे एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इन दोनों को आइडेंटिफाई किया गया है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी टाटा पावर रेन्यूबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा एक और सोलर पावर प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के जालना डिस्ट्रिक्ट के पारतूर में बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों ये सोलर पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट की बताई गई है, जो 600 एकड़ के एरिया में फैला है। इसको सेटअप करने के लिए टाटा पावर के द्वारा 411,900 सोलर PV मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है और क्योंकि अभी ऑपरेशनल हो चुका है तो पावर तो जनरेट करेगा ही करेगा, साथ साथ एनुअली 34 मिलियन टन ऑफ CO2 भी रिड्यूस करेगा। और अब इस पावर प्लांट के थ्रू जितनी भी एनर्जी जनरेट होगी वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर क्योर करेगी, जिसके लिए जालना डिस्ट्रिक्ट के कई सारे एरियाज में जो पावर सप्लाई है वो बेहतर होती देखने को मिलेगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज की न्यू वंदे भारत ट्रेन्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, यहां पर वंदे भारत ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज स्पीड से हो रही है, क्योंकि रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज यानी कि अश्विनी वैष्णव जी ने ICF चेन्नई को विजिट किया था और वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्रेस देखते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे देश में अगले 1 साल के अंदर अंदर जो न्यू वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट करने का टारगेट सेट किया गया है उसी के अंतर्गत आपको हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट होती देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर हमारे देश में 400 वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट किया जाना है और अगले साल तक यानी कि अगस्त 2023 तक हमारे देश में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 75 वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट करने का टारगेट सेट किया गया है और इसी कारण हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टाइम टू टाइम वंदे भारत ट्रेन का जो प्रोग्रेस वो चेक करती रहती है और इसी प्रोग्रेस के बेसिस पर अभी कहा गया है कि अगस्त 2023 तक हमारे देश में जो 75 वंदे भारत ट्रेन्स होंगी वो ऑपरेट की जा सकेंगी। और दोस्तों कहा ऐसा भी गया है कि इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है इसका सबसे बड़ा रोल रहने वाला है।
और इसी तरह से अगर आप आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप कुकू एफएम पर महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में सुन सकते हैं, जहां पर आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत ये कहां से आया है और इनकी जड़ें कितनी पुरानी है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का स्वदेशी मूवमेंट और मेक इन इनिशिएटिव इन दोनों का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है, भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स देखने को मिल जाएंगी, और अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं भी है तो आप इजीली इन ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, और वैसे भी बायोग्राफी सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपको करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करें, और कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय सोनो 50 कोड का इस्तेमाल करें, जिसके थ्रू आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट और 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज़ में। तो सोचने में टाइम बर्बाद न करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 31 मई तक का है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर ONGC को लेकर, जहां पर दोस्तों एनर्जी सेक्टर में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ONGC के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो हमारे देश में ऑयल फील्ड्स एंड जो फ्यूल रिजर्व्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, और इसके ऊपर वो अगले 3 सालों के अंदर अंदर 31,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में हमारे देश के लिए क्रूड ऑयल काफ़ी बड़ी सिरदर्दी है, और अगर हमारे देश के क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम कर दिया जाता है तो आप देखेंगे कि हमारे देश का जो इंपोर्ट बिल है वो एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और इसी में एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए ONGC के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश के जो सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं वहां पर फ्यूल रिजर्व्स को एक्सप्लोर करेंगे, और इसके अंतर्गत 2D एंड 3D सिस्मिक सर्वेस, ड्रिलिंग, ये सब काम किए जाएंगे, और इसको सपोर्ट करते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज ऑफ नाउ 96,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड को एक्सप्लोरेशन के लिए अप्रूव भी कर दिया गया है, जिसको पहले नो गो जोन कहा जाता था, और अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत 2025 तक ONGC के द्वारा अराउंड 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को एक्टिव एक्सप्लोरेशन के अंडर में लाया जाना है। अगली 200 अपडेट निकल कर आई है तमिलनाडु स्टेट में लॉन्च किए गए कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की इकोनॉमी में तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा तमिलनाडु में 11 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं, जिनकी ओवरऑल वैल्यू 31,500 करोड़ रुपीज़ की बताई गई है। तो दोस्तों जो 11 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं इसमें से 5 का इनोग्रेशन किया गया है और 6 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन रखा गया है। थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो मदुरई थेनी 75 किलोमीटर एंड तंबरम चेंगलपट्टू के बीच में 30 किलोमीटर ये दो न्यू रेल लाइंस को ओपन किया गया है। इगमोरे से चेंगलपट्टू तक 115 किलोमीटर, थ्रिवल्लूर से बेंगलुरु के बीच में 271 किलोमीटर ये दो न्यू नेचुरल गैस पाइपलाइंस को भी ओपन कर दिया गया है। साथ चेन्नई लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1,152 हाउसेस को भी ओपन किया गया है। बात करें फाउंडेशन स्टोन के बारे में तो बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, चेन्नई टू मदुरा ऑयल पोर्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, दो नेशनल हाईवेज का अपग्रेडेशन, चेन्नई इगमोरे रामेश्वरम मदुरई कटपाड़ी एंड कन्याकुमारी इन 6 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, और साथ साथ आखिर में चेन्नई में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के ईस्टर्न रेलवे जोन ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, और अब ये रेलवे जोन भी हमारी रेलवेज का एक फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन बन गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काफ़ी तेजी से काम कर रही है, और एज ऑफ नाउ इस ईस्टर्न रेलवे जोन को मिलाकर हमारी रेलवेज के ओवरऑल 3 जोन्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाई हो चुके हैं। कहा ऐसा गया कि जो ईस्टर्न रेलवे जोन था वो काफ़ी पहले से ही इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काफ़ी तेजी से काम कर रहा था, और कोविड के समय में इन्होंने इनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था उसको और भी फास्ट ट्रैक पर डाल दिया था, और एज ऑफ नाउ इनके पास में 2,848 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, जो वेस्ट बंगाल झारखंड ज़्यादातर इन दोनों स्टेट में फैला है, और इसका कुछ पार्ट बिहार स्टेट में भी है, और अब इस पूरे के पूरे रूट नेटवर्क पर सिर्फ आपको जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं वही ऑपरेट होते देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से भी अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।